करती हूँ। साहब जॉन बहुत है मालकिन में, बहुत देर में दम निकला। साहब देख, मैंने मालकिन को मार दिया। आपने कहा था ना कि अपनी मालकिन को मार देगी ना तो तेरे 5 लाख रुपए दूंगा। तो अब तुम मेरे 5 लाख रुपए दे दो, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। हाँ, वादा तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन अब इस लाश को तो ठिकाने लगा। साहब मैं मालकिन की लाश को ठिकाने भी लगा दूंगी। जब मैंने मालकिन को मार ही दिया तो मैं लाश पे ठिकाना लगा दूंगी। आप पहले मेरे 5 लाख रुपए दो। हाँ कह तो तू ठीक रही है, मालकिन को तो तूने मार दिया, लेकिन उससे पहले ये लाश ठिकाने लगानी है। साहब आप मेरा विश्वास करो, मैं लाश ठिकाने लगा दूंगी, पहले आप मेरे 5 लाख रुपए दो। चल ठीक है, अगर ऐसी ही बात है ले, तू पहले मेरे 5 लाख रुपए ले। ये ले, वादे के मुताबिक तेरे पूरे 5 लाख रुपए। और एक बात और सुन, अब इस लाश को ठिकाना लगाने की जिम्मेदारी तेरी है। अगर तूने कोई भी नाटक किया तो अच्छा नहीं होगा। अरे साहब अब कैसी बात कर रहे हो, जब मैंने मालकिन को मार ही दिया तो लाश ठिकाने लगाने वाली कौन सी बड़ी बात है। मैं आपका ये काम भी कर दूंगी। अरे साहब आप मुझे एक बात तो बताओ, मालकिन तो आपसे बहुत प्यार करती थी, फिर आपने मालकिन को ही क्यों मरवा दिया। ए सुन, नौकरानी है पर निकालने की कोशिश मत कर। तुझे मैंने पैसे दे दिए और लाश ठिकाने लगाने की भी जिम्मेदारी तूने उठा ली। अब तू एक काम कर, इस लाश को ठिकाने लगा और इन पैसे बुले का मुझ कर। अरे साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो, मैं मानती हूँ मैं एक नौकरानी हूँ और मैंने मालकिन को मार दिया, और अगर ये बात किसी को पता लग गई तो फंसूंगी तो मैं भी। पर साहब बात तो कुछ है, बताओ ना तुमने ऐसा क्यों कराया। चल ठीक है, जब तू इतना जिद कर ही रही है तो मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने तेरी मालकिन को क्यों मारा। क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज ने मेरे नाम पर और जो बैंक के अकाउंट वगैरह है उसमें भी नॉमिनी मैं हूँ, और जो भी इसकी LIC वगैरह की जो पॉलिसी हो रखी है उसमें भी मैं नॉमिनी हूँ, और यहाँ तक के जो इसका बैंक का लॉकर है ना उसके पासवर्ड और उसकी चाबी भी मेरे पास है। तो मैं अब इसका करूँगा क्या, इसको तो मुझे रास्ते से हटाना ही है। और मालकिन मुझसे प्यार करती है, मैं थोड़ी मालकिन से प्यार करता हूँ, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। और जब तक ये तेरी मालकिन मेरी जिंदगी में रहती ना तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। यार मेरे भी पहले लगाती थी, और मेरी जिंदगी में कोई हस्तक्षेप करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, इन्हें पैसों को उठा और इस लाश को उठा और निकल। वाह साहब वाह, बहुत अच्छा प्लान बनाया था आपने। मालकिन सुन लिया आपने भी, साहब आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब क्या सुनेगी मालकी, क्या मुर्दे कभी बोलते हैं। हाँ दीना, मैंने सुन भी लिया और मैंने देख भी लिया। तुम जिंदा हो। हाँ मैं जिंदा हूँ, और तुम्हारी सारी करतूत भी मैं देख चुकी हूँ। तुम और तुमने इसे मारा नहीं। अरे सर मैं मालकिन को कैसे मारती हूँ, आखिर मैं मालकिन की वफादार नौकर हूँ, और जो आपने 10 दिन पहले ऑफर दिया था ना। ए इधर आ, इधर आ, इधर आ।
अरे नहीं नहीं साहब, ये सब मैं नहीं पीती। था मेरे पास, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने कभी पी नहीं है, पता नहीं कैसी लगती होगी। अरे कैसी नहीं लगने की, पी पी पीजा 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 पीजा। वाय वाह वाय वाह वाय वाह वाय साहब, लव यू फॉर लव यू प्लेस। यार ये ना तेरे लिए मेरे पास एक काम है, और फ्री में निकलने का काम, 1,00,000 रुपए तेरे लिए एडवांस, और तुझे मैं 5,00,000 रुपए और दूंगा, बस तुझे मेरा छोटा सा एक काम कर। ये थोड़ी सी और बची, फिर पी लो। पी ले, पी तू और पी। ₹1,00,000। हाँ साहब बताओ क्या काम है। मालकिन कुमार। क्या? अरे तू क्यों घबरा रहा भाई? अरे मैं मरवा रहा हूँ ना, जब मैं मरवा रहा तुझे क्या दिक्कत है? मैं तेरे साथ, मेरी वाइफ है, मैं कोई मुकदमा नहीं करने का, कोई केस नहीं करने का, तो कुछ भी नहीं बिगड़ने का किसी का। यार तू भी ऐसा ही है, तू और पी ले, चल पी। अरे पी तो बात करें, पी। ठीक है साहब, 1,00,000 रुपए तो ये हैं, और 5,00,000 रुपए तुम और दोगे, क्योंकि आपने अभी बोला है मैं मालकिन को मार दूंगी, आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। उसी दिन मैंने शाम को मालकिन को सब कुछ बता दिया था। मालकिन, हाँ बता। साहब आपको मारना चाहते हैं। क्या बोल दिया ही ना, पागल हो गई है क्या तू? ये मजाक का टाइम थोड़ी है, मैं ड्यूटी जा रही हूँ, चल तू अपना काम कर। अरे मालकिन, अरे मेरी बात तो सुनो। पर मालकिन मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि वो तुमसे प्यार जो इतना करती है। मैंने मालकिन को कितनी बार बताया कि साहब आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो तुमसे प्यार बहुत करती है ना, इसलिए वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर मालकिन ने और मैंने ये प्लान बनाया। अरे वो सीधी ऐसा कुछ नहीं है, और तुम तो मेरी बीवी हो ना, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, माफ कर दो मुझे, और ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे। गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है, और माफी गलती की मिलती है, गुनाह की तो सजा मिलती है जो तुम्हें मिलके रहेगी। तुम 2 मिनट रुको, पुलिस की जीप आती ही होगी। अरे नहीं सिलजी, तुम ऐसा कदम मत उठाओ। हाँ मैं मानता हूँ गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने पति को भी जेल भेज दोगे। आजमाए हुए को आजमाना और अपना नाश कराना जिंदगी में सबसे बड़ी भूल है इंसान की, कि वो आजमाए हुए को आजमाता है। चल आराम से चल, उससे पहले मैं ये भूल जाऊँ कि तुम्हें पति। ठीक आ गई है नीचे।